दो साल पहले चंद्रमा की लैंडिंग करते समय संपर्क टूट जाने के कारण विफल घोषित कर दिया गया चंद्रयान 2 अभियान ने इस असफलता के बावजूद वैज्ञानिक समुदाय को एक ऐसा डेटा उपलब्ध कराया जिसे नई खोज की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। ये दावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया है। इसमें चंद्रमा की सतह के अंदर जलीय बर्फ और बाहर ज्वालामुखी की मौजूदगी के सबूत शामिल हैं। इन खोजों को बेहद अहम माना जा रहा है। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 2 अंतरिक्षयान में लगे उपकरणों से हाल ही में जुड़े संपर्क से हासिल हुआ डेटा ने इस अभियान को 98% तक सफल बना दिया है। इतना ही नहीं, यान का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और अगले 5 सालों तक ये लगातार महत्वपूर्ण डेटा भेजता रहेगा। यानी कि अभी चंद्रयान 2 के जरिए चंद्रमा की सतह के बारे में जानने का कई और मौका मिलेगा। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने वैज्ञानिकों के उपयोग के लिए चंद्रयान 2 से हासिल हुए आंकड़ों और वैज्ञानिक दस्तावेजों को जारी किया। साथ ही उन्होंने चंद्रयान 2 के कक्ष पेलोड का डेटा भी जारी किया। ऑनलाइन माध्यम से आयोजित एक कार्यशाला में चंद्रयान 2 में लगे उपकरणों से कई दिलचस्प वैज्ञानिक निष्कर्ष निकले हैं और इन्हें साइंस जर्नल में भी प्रकाशित कराया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भी इसे पेश किया जा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 में लगे मास स्पेक्ट्रोमीटर चेस 2 ने पहली बार एक ध्रुवीय कक्षीय मंच से चंद्रमा के बाहरी वातावरण की आवेशहीन संरचना का अध्ययन किया। इस दौरान चंद्रमा के मध्य और उच्च अक्षांशों पर एर्गॉन 40 की परिवर्तनशीलता से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। साथ ही इसके ऑर्बिटर में लगे लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने एक्सरे स्पेक्ट्रम के जरिए चंद्रमा की सतह पर क्रोमिया और मैग्नीज जैसे मूल्यवान खनिजों की मौजूदगी के संकेत दिए हैं। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 2 ने अपने इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण की मदद से पहली बार चंद्रमा की जलयोजन विशेषताओं का पता लगाया है। इस उपकरण ने चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोलिक्स के साथ ही पानी के बर्फ की मौजूदगी के स्पष्ट संकेत दिए हैं। इससे पहले चंद्रयान 1 और नासा के क्लेमेटाइन मिशन ने भी चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के संकेत दिए थे, लेकिन वे पानी की प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन चंद्रयान 2 ने जो डेटा दिया है उससे ध्रुवीय क्षेत्रों में चंद्रमा की आकृति संबंधी विशेषताओं की एक सफल हाई रेजोल्यूशन मैपिंग की गई है। चंद्रयान 2 ने 100 किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा की तस्वीर ली है। इनमें चांद की सतह पर पहाड़ियों की आकृति और ज्वालामुखी के टीले साफ पहचाने गए हैं। सौर एक्सरे मॉनिटरिंग उपकरण ने सूर्य से आने वाले रेडिएशन के माध्यम से चंद्रमा का अध्ययन करने के अलावा सौर माइक्रोफ्लेयर्स के बारे में अहम जानकारी जमा की है। सौर एक्सरे मॉनिटरिंग ने पहली बार क्षेत्र के बाहर बड़ी संख्या में माइक्रोफ्लेयर्स देखे हैं और इसरो के अनुसार इसका सौर कोरोना यानी कि सूर्य के बाहरी वायुमंडल को गर्म करने के पीछे के तंत्र की समझ पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जो कि कई दशकों से एक रहस्यमय रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में 8 उपकरण लगे हैं जो अलग अलग तरीकों के जरिए लगातार चंद्रमा को लेकर अपने प्रयोग कर रहे हैं और डेटा भेज रहे हैं। इन उपकरणों में लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलर एक्सरे मॉनिटरिंग, चंद्र एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, एक्सप्लोरर 2, डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, टेरेन मैपिंग कैमरा, ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा और डुअल फ्रीक्वेंसी रेडियो साइंस शामिल है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवों की पहली बार छानबीन के लिए इसरो ने अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष मिशन को 22 जुलाई 2019 को रवाना किया था। इस यान में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर लगे हुए थे जिन्हें चंद्रमा की सतह पर लैंड करना था। चंद्रमा पर 6 सितंबर को लैंडिंग के दौरान इसरो का संपर्क रोवर और लैंडर से टूट गया, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है और लगातार डेटा भेज रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरीके से चंद्रयान 2 जिसे कि फेल बताया जा रहा था उसने एक महत्वपूर्ण जानकारी एक बार फिर से दुनिया के सामने रख दी है। जानकारी के संबंध में कोई अगर आपका प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।